तो अभी तक का जितना भी हमारा कंटेंट चला वो और आज का सेशन का अभी का जो कंटेंट है वो पूरा एक तरफ रहेगा। अभी तक की जितनी भी आपको मतलब सूचनाएं मिली, समझ जो कुछ भी बनी, वो और अभी का जो कंटेंट है वो दोनों आमने सामने, यानी कि पूरा टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ आज का जो कंटेंट है अभी का वहां से रहेगा। तो पूरा सेशन एकदम ध्यान से पूरे इंटरेक्टिव तरीके से जितना आप इंट्रक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए सबके लिए। तो दोपहर का सेशन कंप्लीट करने तक जैसा समझ के ऊपर बात दीदी ने कही कि समझ यानी जो चारों अवस्थाएं है, यानी कि प्राण अवस्था, पदार्थावस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था यानी मन, उसमें से मानव के अलावा तीनों अवस्थाएं है उसका अध्ययन मानव ने अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से डीप में किया, और वो अध्ययन करने के बाद जो सुविधाओं का संसार सजाने की जो बात है वो भी अच्छी तरीके से हो गई है ऐसा अभी के समाज में दिखता, सोसाइटी में दिखता, यानी सुविधाओं का अवेयरनेस। मानव का अध्ययन भी जो शरीर का है वो भी हो चुका है, इसीलिए शरीर में कुछ भी होता है तो वो किसके कारण है, क्या ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो मैं भली भांति पता हूं। तो मेडिकल साइंस पूरा शरीर का अध्ययन है, एनाटॉमी, पदार्थावस्था का अध्ययन है वो केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, वैसे ही प्राणावस्था का अध्ययन है वो बॉटनी या फिर उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो जूलॉजी एक्सेट्रा, और वैसे ही जीवावस्था का अध्ययन है वो एनाटॉमी है या फिर जूलॉजी है या फिर जितनी भी सब ब्रांचेस है वो सब, वैसे ही मानव शरीर का अध्ययन हो गया है। लेकिन मानव पूरे में देखे तो क्या है, जैसे मैं कहूं कि ये पेन या ये क्या है, चीज पॉइंटर है, पॉइंटर ये चीज क्या है, मार्कर है, पेन जिससे हम इस पर लिख सकते हैं, वैसे ही जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव क्या है तो उसका आंसर है वो अभी के जो सत्र है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मैं बोलता हूं मैं देख रहा हूं, जब मैं बोलता हूं मैं देख रहा हूं तो उसमें देखने वाला कौन है, मैं या मेरा शरीर। जब भी मैं ये पूछता हूं कि ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है तो उसमें से देखने वाला कौन, मैं मार्कर देख रहा हूं तो देखने वाला कौन है, मैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ सुन रहा, मैं वर्कशॉप चालू है और मैं वो सुन रहा हूं तो सुनने वाला कौन, मैं, पक्का, ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं तो समझने वाला कौन है, मैं या मेरा शरीर, क्या लगता है, मैं। तो मैं को आप क्या कहते हो, मैं यानी क्या, मैं यानी मन, बढ़िया। और कुछ, आत्मा, और कुछ, बढ़िया। मैं यानी मन, आत्मा, और कुछ, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, चेतना, चेतना, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
कॉन्शियस माइंड, चेतना, मन, आत्मा और कुछ मैं यानी शरीर, क्या लगता है मैं सुनता हूँ, मतलब शरीर सुनता है या मैं शरीर के द्वारा सुनता हूँ, कौन सा ठीक? मैं शरीर के द्वारा सुनता हूँ, मैं देखता हूँ या मैं शरीर के द्वारा देखता हूँ, क्या लगता है? मुझे प्राप्त इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूँ, मुझे और कोई मैं क्या है? जब मैं ये कहता हूँ मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे दर्द होता है या मेरे शरीर को दर्द होता है? मुझे दर्द होता है या शरीर को? मन को होता है। मुझे दर्द होता है या शरीर को होता है? लगता शरीर को है, मन को ही सब कुछ होता है, यानी मन उस तरफ हाजिर नहीं है, एब्सेंट है, तो दर्द नहीं हो रहा। बढ़िया, कितने लोगों ने महसूस किया है? इंजेक्शन लगवाते हैं। और कोई डालता हूँ लगता है मतलब वो उससे डर नहीं होता, आगे और ज्यादा दर्द नहीं होगा, ऐसा महसूस हो जाता है। और कोई फील किया? कई बार ऐसा होता है जब हम खेलते हैं ना, जब बच्चे थे खेल रहे थे तो खेल खेलने कभी 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 लग जाता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता। घर पे आते हैं जब मम्मी देखती है कि यहाँ पे लगा हुआ है और खून निकला हुआ है, तब ध्यान जाता है, फिर रोना शुरू हो जाता है। तो हकीकत में लगा हुआ तो पहले भी था, लेकिन दर्द का एहसास नहीं था क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं था। तो ध्यान देने वाला कौन है? मैं। तो मैं अब इसको ध्यान से सुनिए, अपने अंदर स्थिर करने का कोशिश कीजिए। तो मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं मानव शरीर और जीवन का सह अस्तित्व हूं, एक साथ हूं, कोएग्जिस्टेंस। मैं यानी मानव सब मानव में सही तरीके से, एक ही तरीके से वो एप्लीकेबल होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर और जीवन, जिसको हम मन कहते हैं, जिसको कोई लोग आत्मा कहते हैं, ठीक है, मैं मन और यानी कि मैं जीवन और शरीर का सह अस्तित्व, यहाँ पे उसको बोला जीवन या फिर सेल्फ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मानव यानी कि मैं शरीर और जीवन के साथ, मैं के साथ, सेल्फ के साथ, आई के साथ, यानी आई और मैं, यानी कि आई और शरीर का अस्तित्व बना हुआ। जो इंग्लिश वाले टीचर दिखाई नहीं गए, कुछ विद्यार्थी रहता है जो क्लास में रहे तो टीचर को अच्छा लगता है। तो मैं क्या हूँ? शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर और जीवन का, मैं का सहअस्तित्व हूँ, कोएग्जिस्टेंस हूँ। कोएग्जिस्टेंस मानी मैं साथ साथ, कोएग्जिस्टेंस मानी मैं साथ साथ। कल वीडियो में दिखाया हुआ था जूस की बोतल है, बोतल के साथ ऐसे चिपकाया हुआ है प्लास्टिक को, ऐसे कि डाले कहाँ पे, प्लास्टिक के कचरे में डाले या मेटल में डाले, वैसे है ये, वैसा है, वो एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट करता। बढ़िया, देखो जोड़ने वाले कहीं से भी जोड़ते।
इसलिए समझना है तो फिर कोई रोक नहीं पाया था। तो समझ को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें मानव में व्यवस्था है इसको देखना है। और जब हम मानव को देखने जाते हैं तो पता चलता है मानव यानी मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने आप को शरीर मान के चलता हूँ तो जितना भी अध्ययन होगा वो पूरा नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात फिलोसॉफिकल लगती है? अगर फिलोसॉफिकल लगती है तो वो सुस्ती प्रॉब्लम। दुखी होने के लिए शुभकामनाएं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सही यही है, सच को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मानो तो ठीक, आप ना मानो तो ठीक। लेकिन फिर भी जैसा आप बोल रहे थे ना भैया कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला, तो एक कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को इस बात पे सहमत कर पाया हूँ कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन और शरीर का कोएग्जिस्टेंस हूँ। और ये सहमति के बाद जब मैं कार्य और व्यवहार करता हूँ तो उसका क्वालिटी, उसका एक अलग तरीके का अंदाज रहता है। पर ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक? तो सच को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आज समझे, चाहे आप कल समझे, चाहे आप ना ही समझे, पूरे जीवन। मेरा तो ये सौभाग्य है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में ये चीज आ गई, एक तरीके से पूरा टर्निंग पॉइंट। जब पहली बार सुना तो लगा, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में से, लॉजिकल बैकग्राउंड में से था, तो मुझे लॉजिकली कोई चीज अगर समझाए तो ही मुझे एक्सेप्टेबल थी। और इसमें हर एक चीज लॉजिकली समझाएगी, जैसे मैं ये कैसे मानूं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं जीवन और मानव, मैं जीवन और शरीर का कोएग्जिस्टेंस हूं। तो उसको समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उससे जुड़ी हुई क्रियाओं को, एक्टिविटी को, उसकी आवश्यकताओं को समझना पड़ता है, ठीक है? जैसे मुझे इस मार्कर को समझना है तो उसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। जब मैं ये समझ पाऊंगा तो मैं इसका सही इस्तेमाल कर पाऊंगा। जैसे मुझे इस पॉइंटर को समझना है तो ये पॉइंटर की आवश्यकता है क्या है, नीड क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, ये मैं समझूंगा तभी मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। वैसे ही अगर मुझे समझना है ये शरीर क्या है, ठीक है, ये मैं समझ पाऊंगा कि ये शरीर क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। शरीर की सिर्फ नहीं है, मैं शरीर और सेल्फ का कोएक्सिस्टेंस हूँ, दोनों की आवश्यकता और क्रिया क्या है, ये मैं समझूंगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि मानव क्या, ठीक है? तो अगर आवश्यकता नीड के बारे में देखें तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है वो सुख है, और अलग अलग भाव है, जैसे सम्मान का भाव, रिस्पेक्ट का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, प्रेम का भाव। तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बाय गेनिंग द रिस्पेक्ट, बाय गेनिंग द लव, बाय गेनिंग डिफरेंट डिफरेंट भाव, फीलिंग्स। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? सेल्फ की। और ये रिक्वायरमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो कैसी है? निरंतर है, कंटिन्यूअस है। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कंटिन्यूअस चाहिए, इसमें एक क्षण का भी गैप पड़ता है तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ही ये रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, भाव के रूप में है। जैसे सम्मान का भाव गुणात्मक यानी कि है,
या नहीं है, और शरीर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम के हिसाब से टेम्पररी है, जैसे सुविधा, जैसे भोजन की रिक्वायरमेंट, शरीर से जुड़ी हुई हर चीज है वो टेम्पररी है, जैसे फूड, तो पूरे दिन में कितना टाइम चाहिए वो फिक्स है, उस अनुसार हम लेते हैं। बढ़िया वो मतलब हैप्पी था इसलिए तो उनकी सेल्फ की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही तो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो काल के मतलब समय में देखेंगे तो टेम्पररी है, रुक रुक के है। टेम्पररी को अगर इस तरीके से बोले तो भी वो ठीक है, रुक रुक के है, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, जिस तरीके से ये रिक्वायरमेंट है, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, जितने भी भाव है वो हमारी सेल्फ की रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी में देखे तो ये फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट जो कि शरीर से जुड़ी हुई है वो मात्रात्मक है, सीमित है, सीमित मात्रा में है, यानी हम कितना भोजन लेंगे, कितनी रोटी खाएंगे, कितना सब्जी खाएंगे, कितना पिएंगे खाएंगे, वो सब एक फिक्स है, उसे हम टेंजिबल कह सकते हैं, वो कुछ क्वांटिटेटिव, जबकि यहाँ पे वो क्वालिटेटिव है, यानी कि हमें सुख कितना चाहिए, रिस्पेक्ट कितना चाहिए, उसको हम माप नहीं सकते, इतना ग्राम चाहिए, इतना किलो चाहिए, इतना नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, या तो वो चाहिए या तो नहीं चाहिए, तो दोनों की रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं अलग अलग है और अलग अलग प्रकार से पूरी होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ये जरूरतें दो अलग अलग प्रकार की है या एक ही प्रकार की है, क्या लगता है? अलग अलग प्रकार की है। क्या दोनों महत्वपूर्ण है? डेफिनेटली। क्या हम दोनों को पूरा करना चाहते हैं? इन दोनों के बीच में वरीयता क्रम क्या है? इन दोनों में से प्रायोरिटी क्या है? मैं की प्रायोरिटी है सर बोल रहे और कुछ सर ऐसा मेरा जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान मतलब बढ़िया ठीक है समझाइए। समृद्धि ऐसा बोल सकते हैं। तो कई सारी ऐसी कहावतें हैं जिसको हमें वेरीफाई करना है, जैसे पहले सुखते चाहते रहे, तो चाहते मतलब हम बोल रहे हैं शरीर, तो ऐसा होता कि हर एक जो शरीर से स्वस्थ है वो मन से स्वस्थ हो जाते, ऐसे शिविर की कोई जरूरत नहीं होती। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि शरीर से अगर ठीक है तो सुनने का काम ठीक से हो पाता है, तो वहां तक ठीक है, लेकिन वो एडेक्वेट नहीं। शरीर से ठीक होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद ये रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे 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 मैं कैसी किसी फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ, फ्रेंड के यहाँ जाने के बाद में काफी देर तक बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, काफी अच्छी अच्छी बातचीत हुई, काफी देर तक बैठा, खाने का टाइम हो गया, लेकिन वो मुझे खाने को नहीं पूछ रहा,
व्यवस्था वो खड़ी कर देखकर यार खाने का टाइम हो दूस तो लेता अच्छा रहता मतलब सेल्फ की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है अब तक लेकिन शरीर की रिक्वायरमेंट जब पूरी होने का समय आया तो वो वहां पे फुलफिल नहीं हो पाई तो उसका प्रश्न रहता ही मतलब कि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और अलग अलग तरीके से पूरी होती है ये समझना सेल्फ की रिक्वायरमेंट अलग है शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है और दोनों अलग अलग तरीके से पूरी होती है ये समझना जैसे घर में बच्चा अगर हमसे नाराज है तो हम क्या करते हैं सर तुझे आइसक्रीम पिला प्रॉब्लम हो आइसक्रीम का है ही नहीं बच्चा कुछ चीज को मतलब कुछ कुछ ऐसी बात हुई है उससे नाराज तो वो ठीक करने की बजाय हम यहाँ पे पूरा करने की ट्राई करते हैं फिर क्या होता है हम ही कंप्लेन करते हैं कि हर बार है वो आइसक्रीम मांगता है या हर बार है उसको यहाँ पे खिलाने ले जाना पड़ता है तो हमने गलती क्या कर दी इसमें एक मिनट में आपका लेता हूँ रिक्वायरमेंट हमारी सेल्फ की थी कुछ हमने सोचा वो शरीर की है और शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो सा समझकर वो किससे पूरी होगी तो क्या फिजिकल फैसिलिटी से उससे पूरी करने की ट्राई की और जितनी भी रिक्वायरमेंट जो शरीर से जुड़ी हुई है वो टेम्पररी है और सेल्फ की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस है इसीलिए टेम्पररी चीजों से कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जाओगे तो पूरा होगा ही क्या समझ में आया फिर से रिक्वायरमेंट थी शरीर की सॉरी सेल्फ की हमने मान लिया शरीर की है उससे जुड़ी हुई हर एक रिक्वायरमेंट है वो टेम्पररी है नेचर में और जो रिक्वायरमेंट थी फुलफिल करने के लिए वो कंटिन्यूअस थी कंटिन्यूअस चीज को टेम्पररी चीज से फुलफिल करने के लिए गए इसलिए वो होता ही नहीं जैसे दूसरा एग्जांपल सम्मान की रिक्वायरमेंट किसकी है सेल्फ अगर हमने सम्मान को कपड़ों के साथ जोड़ दिया जो कि रिक्वायरमेंट किसकी है शरीर की तो कितने भी कपड़े आ जाए सम्मान की रिक्वायरमेंट उससे पूरी होती नहीं इसीलिए साल भर सेल लगा ही रहता है और हमारा वार्डरोब फुल ही रहता है सबका क्योंकि हमने समझा नहीं कि मैं शरीर और जीवन का सह अस्तित्व हूं पर दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग और अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग चीजों से पूरी होती है क्या लगता है ये सही है या इसमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं सही यहाँ पे जितना भी बोला जा रहा है वो एक प्रस्ताव है आप उसको ठीक तरीके से वेरीफाई कीजिए चाची चाचा हुआ ही आपके जीवन में आए जब मैं ये बोलता हूँ तब अक्सर लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि यह मैंने लाइन अब से अब तक कितनी बार बोली होगी तकरीबन तकरीबन हर सेशन में मैं बोलता हूँ और एट द एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि एक बार ध्यान चला पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी ऑडियंस इस बार मतलब ये एफडीपी में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि पूरा पार्टिसिपेशन सबका तो पार्टिसिपेशन है सबका और सबका क्वेश्चन भी है सब तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए तो आज तक हमने जो भी समझा हो यहाँ से ऐसा प्रस्ताव दिया जा रहा है मैं यानी मानव मैं और शरीर का वो एग्जिस्टेंस हूँ और उसकी आवश्यकताएं अलग अलग है वो अलग अलग तरीके से पूरी होती है अगर मैं वो समझ नहीं पाता हूँ तो मैं स्वयं को शरीर मानकर जीता हूँ और शरीर की आवश्यकता है वो नेचर में टेम्पररी है सामयिक है और उसको जोड़ देता हूँ सेल्फ के साथ तो कितना भी हो पूरा नहीं होता
जैसे सर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो पार्टी में मैं एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन कर जाता हूँ और इससे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि इससे मुझे सब लोग देखे और पूछे और सम्मान सम्मान किससे जुड़ी हुई चीज है सर हमने किससे पूरी होने की ट्राई की बॉडी की रिक्वायरमेंट इसलिए वो पूरा नहीं पड़ता इसीलिए घर के लोग आप कितना भी तैयार होकर जाओ वो आपकी बात नहीं सुनते क्यों क्योंकि वहां पे कपड़ा नहीं काम में आता बाहर के लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो काम आता है क्योंकि वो आपको पहचानते नहीं है घर में सब पहचाने रहता है इसीलिए घर में नहीं कैसे ठीक तो थोड़ा शायराना अंदाज में कहे तो इस तरीके से कह सकते थे कह सकते हैं सामान खोया कहीं और था ढूंढ कहीं और भर कई लोगों को जगाने के लिए ये मैंने कहा था पहले भी अब तक का सेशन और ये सेशन है वो एक और अगर अपने में और ये जरूरी नहीं है कि ये सेशन में ये पूरा कंक्लूड हो पाए लेकिन अगर ध्यान चला गया तो और कुछ बेनिफिट हो या मत इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट हो तुम्हें ठीक है जैसे मैंने मोबाइल जब ये ऐसा एग्जांपल ये पूरा फ्रेम खुलता है टॉपिक खुलता है तो बच्चों का मोबाइल से काफी लगाव रहता है अभी तो बच्चे पूछते हैं तो सर मोबाइल मैंने कहा आप कुछ सोचो क्या लगता है अपने लिए अगर आपको ठीक लगता है तो आप लीजिए कोई बात नहीं लेकिन उससे ये एंश्योर हो पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं उससे ये एंश्योर हो पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं और बच्चों के साथ आप डिस्कस कर रहे हो ये फ्रेम तो उसमें ये यहाँ पे आ जाता है पीयर प्रेशर ज्यादातर बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो इससे ग्रसित रहता है पीयर प्रेशर यानी मैं कैसा दिखू क्या पहनू क्या लेके आऊ वो बहुत मायने करता है बहुत हम जब बच्चों के साथ डिस्कस करें तब तो उसका वो मतलब कहाँ तक वो कितना डीप बैठा हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो कौन सा बैग हो कौन सा मोबाइल हो किस कलर का शूज हो क्या हेयर स्टाइल हो कौन सी ब्रांड की चीज हो वो सब कुछ निकल के आता है यहाँ तक कि व्हाट्सएप में डीपी क्या रखना है तो बच्चों के साथ जब ये शेयर करते हैं तो बच्चों का पीयर प्रेशर वाला जो एक मुद्दा है वो भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मैं ये दो चीज हूं और उसका कोई एग्जिस्टेंस हूं और वो अलग अलग तरीके से हैंडल होती है तो फिर ये पीयर प्रेशर वाला मुद्दा है वो इजीली रिजोल्व हो जाएगा जैसा ब्रेक से पहले दीदी ने बात की थी इंग्लिश के ऊपर तो इंग्लिश वाला है मतलब अब कॉलेज में एडमिशन ले मेजोरिटी एडमिशन अभी है वो गुजराती मीडियम से ज्यादा है जब वो बच्चे कॉलेज में आते हैं तो ज्यादातर बोलना अवॉइड करते हैं क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं पता वो ठीक तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाता तो वो एक पीयर प्रेशर काम करता है वैसे में अगर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है उसको सुनने के बाद तो वो चुप ही बोलता उसे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं अभी कुछ आता ही नहीं तो ये पीयर प्रेशर वाला मुद्दा खास करके जो इंग्लिश वाला मुद्दा है उसको कॉलेज में कैसा हैंडल किया ठीक है जब ये समझ में आता है तो वो मुद्दा है वो अपने आप ठीक हो जाता हमारा भी कहीं ना कहीं वो रहता ही है जब कहीं पे बोलने जाते हैं या फिर किसी के साथ डिस्कस करते हैं चर्चा करते हैं तो मैं लगता है यार बोला मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है मैं ना बोलूं तो ठीक हकीकत में इंग्लिश क्या है कम्युनिकेशन मीडियम है जैसे और भाषाएं है
अभी का रिक्वायरमेंट है तो आना चाहिए, ये कंक्लूजन बनता है तो भी बच्चा है वो काफी आराम में आ जाता है, मुझे नहीं आता है सीख लूंगा, बता तो चुके या नहीं आ रहा है। और इस समय में मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम हो वो पता चल जाए वो भी बात काफी बड़ी बात है।